हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बसबी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इजी हवाईयन बर्थडे पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़ और ट्रॉपिकल थीम बर्थडे पार्टी डेकोरेशन आइडियाज़। तो उसके पहले सबसे मैंने ऐसे क्ले पेपर के काफ़ी सारे ऐसे फ्लावर्स के गार्लन बनाए, और ये जो है मेरे आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ऐसे वेलकम बोर्ड बनाया था, जिसके लिए मैंने एक रेफरेंस पिक्चर ऑनलाइन निकाली, और उसके बाद मैंने जो है उसको चार्ट पेपर पे वाइट कलर के चार्ट पेपर पे ड्रॉ किया, और उसके बाद पेंट किया, और बहुत ही अच्छा वेलकम बोर्ड बन गया था। और इसके ऊपर चार्ट पेपर पे बनाने के बाद मैंने इसको कैनवास बोर्ड के ऊपर चिपकाया, और उसके साथ जो कैनवास बोर्ड का है मैंने कैनवास स्टैंड के ऊपर अटैच किया। तो आप अपनी नेक्स्ट बर्थडे पार्टी या नेक्स्ट पार्टी में ये डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं, और इट कैन बी यूज़ फॉर बॉयज़ गर्ल्स बोथ, और बहुत ही अच्छा लगता है एंड काफ़ी फन थीम है। तो आप ये डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे ऐसे अल्फाबेट स्टिक ऑन किए, और उसके बाद मेरा पूरा वेलकम बोर्ड रेडी हो गया है एंड दिस हाउ इट टर्न्ड आउट। उसके बाद मैंने जो है सहर्ष के नेम का बैनर बनाया, और क्योंकि आपको बैनर यूजुअली नेम बैनर होते हैं वो फॉइल्स में ही मिलते हैं, अल्फ़ाबेट्स में मिलते हैं, बट आई डिडंट वॉन्टेड दैट। तो आपको ये मैंने खुद से बनाया है, तो आप ऐसे वाइन शेप के ग्लासेस कट आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर रैंडम ऐसे नेम जो है लिख के, एंड इस पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिकल फ्रूट्स के कटआउट आप स्टिक कर सकते हैं। देन मैंने काफ़ी सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स के कटआउट बनाए, लाइक आई मीन पाइनएप्पल, देन वाटरमेलन, देन काफ़ी सारे ऐसे लीव्स के कटआउट बनाए, जो मैंने ये पूरा बलून आर्क के ऊपर स्टिक किया। देन फॉर द ड्रेस मैंने टू शर्ट्स, कलरफुल शर्ट्स फर्स्ट क्राई से ऑर्डर की थी, जिसमें से मुझे एक काफ़ी अच्छी लगी, तो वही फाइनलाइज की गई एंड उसको ही मैंने अपने बेटे को पहनाया। तो दिस वॉज द शर्ट जो काफ़ी कलरफुल अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसके साथ मैंने उसको अ पेयर ऑफ ग्लासेस, सन ग्लासेस, देन हैट और शूज़ एंड ट्राउजर्स, कार्गो पैंट चिकन से वो पहनाया। तो दिस हाउ इट टर्न्ड आउट। उसके बाद जो है ये आप नीचे हमारा वेन्यू देख सकते हैं, कि ये वेन्यू में जो है काफ़ी सारे कलरफुल बलून्स मैंने लगाए, और आगे पीछे सब लगा के, एंड विद दिस बोर्ड इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उसके बाद यहाँ पे जो ये आर्क बनाया था, इसके लिए भी आपको बलून आर्क का एक टेप आता है, जो आपको काफ़ी जो है कन्वीनियंस देता है कि आप इजीली इसको बना सकें। तो यू जस्ट हैव टू ब्लो द बलून्स विद द हेल्प ऑफ अ पंप और व्हाटएवर इट इज़, एंड देन उसको बस उसके अंदर स्टिक करते जाना है, और ये ऑटोमेटिकली ये पूरा आर्क बन जाता है। तो अपने हाइट और अपने लेंथ के हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इजी, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई आउट करें, एंड नेक्स्ट बर्थडे के लिए उसको डेफिनेटली सेव करके रखें, ताकि आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकें। उसके बाद मैंने इसे काफ़ी सारे कलरफुल कपकेक्स भी ऑर्डर किए थे, ये भी एक बहुत ही अच्छा एड ऑन एलिमेंट था। और इसके बाद ये केक स्पेशली डिज़ाइन, स्पेशली कस्टमाइज करवाया था, और इसमें जो है सहर्ष को इमेजिन करके, सहर्ष को ऊपर ऐसे बिठा के, एंड विद सर्फिंग बोर्ड एंड सम एलिमेंट्स लाइक कोकोनट ट्रीज एंड एवरीथिंग, तो वो काफ़ी सारे एड ऑन एलिमेंट्स किए, तो पूरा एकदम हवाइन थीम वाला वाइब आ रहा था, एंड द बर्थडे पार्टी वॉज अ हिट। सो डेफिनेटली इसको ट्राई आउट करें अपने नेक्स्ट थीम बर्थडे डेकोरेशन के लिए, पार्टी के लिए आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ हिट। तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।